तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका दोस्त आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साहब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली स्पेशल थीम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सभी थीम्स कौन से हैं, अप्लाई होने के बाद से आपके किस तरह के लुक देंगे आपके सेलफोन को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जरूरी बातें बता दूँ कि ये जो सभी थीम्स हैं, यदि आपके सेलफोन में अच्छे रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने सेलफोन की एक बार रिबूट करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये है हमारा पहला थीम, चलिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। और ये देख रहे हैं कि ये अप्लाई हो रहा है, तो ये जो थीम है अब अप्लाई हो चुका है। हम लोग चलिए यहाँ पे आते हैं होम स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं कि अप्लाई होने के साथ साथ इसके जो आइकन है वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, और इसके बैकग्राउंड में एक दिया का पिक दिखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ एक येलो कलर का इसका पूरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, जो कि इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और इसके अलावा हम डायल पैड की बात करें तो इसका जो डायल पैड है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो सकता है कस्टमाइज थीम के मदद से, जैसे कि मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें यदि आपको कस्टमाइज थीम करने नहीं आता है। तो अब सीधा से बिना देर किए हम लोग बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन की। तो यहाँ पर हम चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर से कुछ एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायल का हो गया, सेटिंग हो गया, थीम्स का हो गया, यहाँ पे नोट्स और ईमेल्स, म्यूजिक, तो यहीं से आप म्यूजिक को भी ऑन कर सकते हैं। और इस पर डबल टैप करते हैं तो आपको म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहीं से आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। तो ये है हमारा दूसरा थीम, चलिए हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें कैसे चेंजिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ये अप्लाई हो चुका है, हम लोग चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थीम अप्लाई हो चुका है, और इसके बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ इसके जो आइकन्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके डायल पैड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डायल पैड भी जो है वो भी चेंज हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और पूरे डार्क मोड में चेंज हो चुका है। उसके अलावा इस पर आपको ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन पैनल कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा इसमें चेंजिंग आई है। तो अब बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके लॉक स्क्रीन पर, तो आपको इस तरह के कुछ लुक्स देखने को मिलते हैं इसके लॉक स्क्रीन पे। यहाँ से आपको शॉर्टकट डायल पैड, कैमरा और मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप इस पे डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अगला थीम जिसका नाम है दिया दीपावली, चलिए हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे लुक में हमारा फ़ोन कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो चुका है, और अप्लाई होने के साथ ही इसके बैकग्राउंड और आइकन्स दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं कुछ इस तरह के लुक में, आप देख सकते हैं, जो कि अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके डायल पैड की, यहाँ से तो आप देख सकते हैं इसका डायल पैड जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको मस्त स्टाइलिश में दिवाली लिखा हुआ आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। और इधर आप देख सकते हैं कि इसका जो डायल पैड है दो रंगों का कम्बिनेशन है, आप यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हैं। बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन की, तो चलते हैं हम इसके लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के चेंजिंग आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ़ोन यानी फ़ोन डायल नंबर, और यहाँ से SMS कर पाइएगा, कैमरा को ऑन कर पाइएगा, इस पर डबल टैप कीजिएगा तो म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये है हमारा अगला थीम जिसका नाम है हैप्पी दिवाली, चलिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स अप्लाई हो चुका है, अब चलिए हम लोग डायरेक्ट होम बटन से इसको कट करके देखते हैं कि किस तरह के लुक में कन्वर्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अप्लाई होने के साथ साथ इसके बैकग्राउंड और आइकन दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में हैप्पी दिवाली लिख कर आ रहा है अट्रैक्टिव लुक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में हैप्पी दिवाली लिखा गया है। इसके अलावा हम इसके डायल पैड की बात करते हैं, इधर से यहाँ से डायल पैड की बात करें तो इसका डायल पैड सिंपल है, और हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल, तो ये भी सिंपल है। हम लॉक स्क्रीन पर डायरेक्ट चलते हैं इसके, कि लॉक स्क्रीन में क्या कुछ को आपको चेंजिंग देखने को मिलता है। तो लॉक स्क्रीन भी सिंपल है, इस पर एक हैप्पी दिवाली लिख कर मस्त पिक आ रहा है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लिखा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ थीम्स